इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं. तो दिस पीपल डू लॉट ऑफ स्टफ फिजिकली, दे डोंट गेट टायर्ड वेरी इजीली, फिजिकली वेरी एक्टिव, फिजिकली सेक्सुअली वो सब चीजों में जहां जहां पे फिजिकल का एक चीज आ गया वहां पे एक्टिव रहते हैं. फिर सेकंड टाइप ऑफ पी है ना, उसमें ये जो है वो भी बनता है. ये जो सेकंड टाइप ऑफ पी है ना, इसमें यहाँ पे वी बनता है, वी है ना, वी की तरह बनता है. तो ये लोग ना बड़े आर्गुमेंटेटिव होते हैं. वो किसी की अगर उसको आपने बोला ना यू आर आर्गुमेंटेटिव, तो उस पर भी आर्गुमेंट चालू कर देगा. गलत बोल रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं थोड़ी आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव तो तुम हो. सो दिस पीपल ऑलवेज गेट इनटू सम काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स बाय हुक और बाय क्रूक. उनका मुंह खुला हुआ है, ये जो है ना ये मुंह है उनका, ये जो है ना ये मुंह है, ये खुला हुआ है. तो दिस पीपल गेट इनटू आर्गुमेंट्स ऑल द टाइम. सेकंड, अब थर्ड टाइप ऑफ पी में क्या हो रहा है, ये स्टेम जो है ना ऊपर जा रहा है. ये जो स्टेम है थर्ड टाइप ऑफ पी में, ये स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो जिस किसी का पी के स्टेम ऊपरी दिशा में जाता है, तो दिस पीपल आर वेरी हेल्पफुल फिजिकली. टेक्निकली अगर समझना है तो ये समझो कि ये इंसान फिजिकल सेल्फ की आइडियाज को मेंटल लेवल पे लेके जा रहा है या अपर जोन में जा रहा है. तो इसके ये फिजिकल चीजों में हेल्पफुल हो जाता है, मेंटली वो सोचता है उसके बारे में. तो इसको ये लगता है कि पैसे इजीली दे देता है किसी को, फिजिकली जाके मदद कर देता है. कोई अगर गाड़ी बंद पड़ा है तो धक्का मार देगा, कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्प करते हैं. कोई अगर पैदल जा रहे तो उसको गाड़ी में बिठा लेगा. तो फिजिकल फाइनेंशियल ये दोनों चीजें जो है उसमें काफी हेल्पफुल होता है. तो इसको भी जब 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 पैसे की जरूरत होती है, जब फिजिकल हेल्प की जरूरत होती है ना, तो कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है. थर्ड वन, फोर्थ जो है, फोर्थ टाइप है, यहाँ पे ये नीचे से ओपन होता है. तो इसको हम बोलते हैं क्लिप्टोमेनियाक पी. इन लोगों को ना क्लिप्टोमेनियाक होते हैं, तो इन लोगों को आदत होती है किसी दूसरे की चीज को उठा लेना. इनको समझता नहीं है कि दूसरे के और खुद की चीजों में फर्क है. तो ये लोग कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ उठा के लेके जाते हैं. जैसे स्कूल में जाएंगे तो बहुत सारे ये चौक लेके आ जाएंगे, या हॉस्पिटल में जाएंगे, इसमें होटल में जाएंगे तो चमचे उठा के लेके आ जाएंगे, है ना. तो दिस पीपल दैट काइंड ऑफ, या फिर रेस्टोरेंट में रहेंगे तो वो जो सॉफ बड़ी शेप रहता है ना, वो बड़ी पूरा का पूरा वो सॉफ जो है वो सॉफ लेके आ जाएंगे सब उठा के. तो दिस पीपल हैव दैट काइंड ऑफ टेंडेंसीज, क्रिप्टोमेनिया टेंडेंसी बोलते हैं. जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा टेंडेंसी वो रहता है किसी दूसरे की चीज को खुद का बना लेना या उठा के लेके आ जाना. अब यहाँ पे जैसे कर्सिव राइटिंग में दिखा होता है. नहीं देखो ना, मैं बता दो ना उसका भी एग्जांपल. तो फिफ्थ टाइप ऑफ जो ये है, इसमें अब दिस पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट स्टेम एंड दिस कर्व. सो इनका फिजिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, फिजिकली दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट. तेरा हैंड एंड बॉडी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा वीक होता है इन लोगों का. तो अभी एक मेरा दोस्त था जिसका जिसके साथ मैं बात कर रहा था, तो उसका इस तरह का पी है, लेकिन वो क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर. बट ही ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैच द बॉल, है ना. बॉलिंग अच्छा कर लेता है लेकिन कैचिंग वो सब में वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है या फिजिकल कोऑर्डिनेशन जो उसका है वो उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर प्लेयर, अदर पीपल. देन सिक्स्थ में क्या होता है, देखो अभी ये कनेक्शन में आ रहा है, ये कर्सिव में ऐसे कनेक्टेड में क्या हो जाता है, वो ऐसा नीचे से खुला होता है. तो ये लोग जब कनेक्टेड में जाते हैं, कनेक्टेड एनवायरमेंट में जाते हैं, तब क्रिप्टोमेनियाक हो जाते हैं. मतलब किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पे वो 20-25 गुलाब जामुन खा के आते हैं, है ना. नॉर्मली ये एक भी नहीं खाएंगे या कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वहां पे जाने के बाद उनका जो क्रिप्टोमेनियाक टेंडेंसी वो बढ़ जाता है. तो खाली ये फंक्शन में ही इस तरह का बिहेवियर करते हैं, जहां पे किसी चीज का रेफरेंस है, कनेक्टिविटी है, जहां पे कुछ संदर्भ है, उसी जगह पे ये लोग क्रिप्टोमेनियाक.